कांग्रेस महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी 11 फरवरी को पहली बार लखनऊ पहुंचेंगी। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी होंगे। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है, ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा का लखनऊ दौरा अपने आप में खास है। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि 11 तारीख को प्रियंका गांधी का जो लखनऊ दौरा है उसको लेकर इनके बीच में क्या उत्साह है और ये क्या महसूस कर रहे हैं कि राजनीति में क्या परिवर्तन होगा, क्या कहना है आपका? देखिए, नई ऊर्जा के साथ प्रियंका जी आ रही हैं। राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमारे बीच में उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जनप्रिय, लोकप्रिय और लोगों के बीच में आम जनमानस की भावनाओं को समझने वाली नेत्री प्रियंका जी को भेजा है। क्या तैयारियां हैं आपकी उनके स्वागत के लिए? आप सुनने में आ रहा है कि फूलों की वर्षा करेंगे आप उनके ऊपर रोड शो के दौरान, क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, हर जगह जगह चौराहे पर स्वागत किया जाएगा, कार्यकर्ता जिंदाबाद लगाएंगे और कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ निकलेंगे और स्वागत होगा और हर चौराहे पे, मतलब लखनऊ की स्थिति इस तरह होगी, पूरी तरह से लखनऊ जो है उत्साह से भरा हुआ होगा। और क्या महसूस कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी के इस दौरे का आगामी लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता देखें? ये महसूस किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से देश के प्रधानमंत्री जो सांसद थे वो छोड़कर उत्तर प्रदेश भाग रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, प्रियंका गांधी जब लखनऊ पहुंचेंगे तो ये चौराहों पे उनका स्वागत करेंगे और इससे आगामी लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को ताकत मिलेगी। लखनऊ से प्रशांत मिश्रा, ईटीवी।